फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद भाजपा के विधायक पहुंचे सहादरा के डीसीपी आर सात्य सुंदरम से मिले। मंगलवार की दोपहर पूर्वी दिल्ली के तमाम भाजपा के विधायक पहुंचे डीसीपी कार्यालय मिले डीसीपी आर सात्य सुंदरम से, जहां गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी और उत्तर पूर्वी जिला के घोंडा से विधायक अजय महावर, इसके अलावा ओपी शर्मा जो विश्वास नगर से विधायक हैं और लक्ष्मी नगर विधानसभा से विधायक अभय वर्मा, ये तमाम विधायक पहुंचे डीसीपी आर सात्य सुंदरम से। उन्होंने कहा जो सहादरा थाने ने विधायक जितेंद्र महाजन और दो भाजपा पार्षदों पर जो मामला दर्ज किया है जो कि एक तरफा किया है, जबकि पूरे तथ्य उन्होंने नहीं जाना, इसके संदर्भ में मिले डीसीपी से, सुने क्या कह रहे हैं। मेरा कहना है कि इस नई आबकारी नीति के खिलाफ पूरी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने के लिए दिल्ली सरकार और शराब माफिया, ये दोनों लोग मिलकर जगह जगह आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी क्रम में शराब माफिया और दिल्ली सरकार ने मिलकर हमारे खिलाफ़ झूठा केस रजिस्टर्ड हुआ है। मेरा कहना यह है कि हमारे खिलाफ ही नहीं, दिल्ली में जगह जगह जहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है और इस प्रकार से झूठे केसेस रजिस्टर्ड करवाने का प्रयास चल रहा है, आज उसी संदर्भ में हम सहादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब से मिले और उनसे ये अपील की कि केस रजिस्टर्ड करने से पहले ठीक प्रकार से तथ्यों की जानकारी ली जाए और जहां पर भी फर्जी केस रजिस्टर्ड हुए हैं उन केसेस को वापस लिया जाए। देखिए, हमने समझा के डाउन कराया है, अब उसको आप धमकाना माने तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन क्षेत्र की जनता की लड़ाई के लिए हम जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा जान रहेगा, हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन कानून में ये भी लिखा है कि रिहायशी इलाके के लोगों के विरोध करने के बाद वो दुकान वहाँ नहीं खुल सकती, तो विरोध कैसे होगा, विरोध पता कैसे लगेगा। आप उनसे कहोगे कि रिहायशी इलाके के लोग विरोध कर रहे हैं तो वो मानते नहीं। 400-500 चिट्ठियाँ आई हुई हैं मेरे पास, वो भी मैं सबमिट कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ लोगों को, सारे RWAs मार्केट एसोसिएशन सब परेशान हैं, तो विरोध प्रदर्शन तो करेगी ही ना, और विरोध प्रदर्शन करेगी तब इनके कानों की में आवाज़ जाएगी, तब इस पर वो कोई फैसला लेंगे। इसीलिए जनहित से जुड़े सरोकारों पर हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, ये गलत है, और मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017-18 में मैं केजरीवाल की पार्टी से ही विधायक था और हम 9 विधायक और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हम लोगों ने खुद 9 ठेके बंद कराए थे। जब 17-18 में अरविंद केजरीवाल शराब के ठेके बंद कराते हुए घूम रहे थे, तो आज इतने 2-2.5 साल 3 सालों में क्या हालात बदल गए, और ये जितने जो ठेके दिए गए ये सब माफियाओं को अलॉट किए गए हैं, और जो आदमी शराब को बंद करने की बात करता हो आज आदमी वो शराब के ठेके खुलवा रहा है। आपने आज़ाद नगर की बात की, प्राइमरी स्कूल नगर निगम के बगल में शराब का ठेका खोला गया है, इसी तरीके से कृष्णा नगर में खोलने की तैयारी है, और हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर जितेंद्र महाजन जी कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, कोई दुकान लूटने तो जा नहीं रहे, हम लोग पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अगर जनता के लिए लड़ रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं, और उसमें इस तरीके से गलत FIR दर्ज करा दी गई। आज हम इस संबंध में माननीय DCP साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी ज़रूर जांच कराएंगे, और जैसा कि वास अस्पताल के सामने जो शराब का ठेका खोला गया है वो बिल्कुल गलत है, सामने हॉस्पिटल है और बच्चे भी वहाँ हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लोग जाते हैं, सामने मंदिर है, और जबकि अभी आज से विधानसभा में 3-3.5 महीने पहले एक कमेटी बनी थी जिसकी की चेयरमैन जो हैं वो हमारे MLA हैं वहाँ से, आम आदमी पार्टी के, और उस समय एक्साइज कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल जो एक्साइज कमिश्नर हैं उन्होंने बोला था कि अगर मंदिर पास में हो, स्कूल पास में हो, तो शराब का ठेका नहीं खुल सकता। तो अरविंद केजरीवाल अपने बनाए हुए कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को बेनकाब करेंगे, और अभी तो आंदोलन की शुरुआत हुई है, और हम जनता से भी बात कर रहे हैं, सारे RWAs के लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ सामाजिक संगठन भी हैं, हमारे साथ NGOs भी हैं, और आज वो सब बहनें, वो सब महिलाएं, वो सब लोग हमारे साथ हैं, और वो ये कहते हैं कि केजरीवाल का मुँह काला करो और शराब के ठेके बंद करो।